हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रीमर्स। तो आज हो गया है सुबह मनाली में, तो आज हम लोग जाने वाले हैं साइट सीन के लिए। और आज रात का कुछ और भी प्लान है, वो सारा आपको देखने मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने मिलेगा, तो बने रहे मेरे साथ। तो गाइस, ये रहा, हम लोग नीचे होटल के आ गए हैं और यहाँ से आप व्यूज देख सकते हो। वहाँ पे पूरा बर्फ का पहाड़ दिख रहा है और मैं दिखाती हूँ आपको, आप देखते रहो। होटल से व्यूज बहुत अच्छी आ रही है हमारी, बहुत ही ज्यादा, आप देख सकते हो। देखो वहाँ पे भी एक पहाड़ है जिसमें पूरा बर्फ भरा हुआ है, पूरा बर्फ है पहाड़ में, चारों तरफ पहाड़ी भरा हुआ है। मतलब जबरदस्त लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वी जस्ट एंटर्ड हिडिंबा टेम्पल और हम लोग अभी चल रहे हैं, रास्ते में ही हैं। गाइस, दिस इज हिडिंबा टेम्पल, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हिडिंबा। ओह शिट, मेरा लेस भी खुल गया है। यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं हिडिंबा टेम्पल, ठीक है। प्लीज़ विजिट हिडिंबा टेम्पल, बहुत अच्छा लगेगा, एक मेंटल पीस आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा लग रहा है, सो जरूर आए। हाँ, इनके पास सब फोटो लेने आ जाइएगा। इनका रैबिट बड़ा प्यारा है, बड़ा शांत है, और रैबिट का और आंटी भी बहुत अच्छी है, आंटी भी बहुत अच्छी है, दिल से बोल रही हूँ, एक नंबर आंटी। ठीक है आंटी, आते हैं ना। बाईसा ने मेरे को सिखाया तू कैंडीसा बोलना, बहुत अच्छा लगा। तू कैंडीसा ठीक सा आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे टीम मेंबर्स भी, देख लो टीम मेंबर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। हेलो हेलो, सारे व्लॉग्स में आ जाना मेरे प्यारे टीम मेंबर्स। अरे वाह, जबरदस्त लग रहे हो आप लोग भी। के बाद अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, शायद घटोत्कच टेम्पल आगे है, तो देखते हैं वहाँ पे कहाँ पे घटोत्कच टेम्पल है, वहाँ से घूम के आ रहे हैं वापस। ये है घटोत्कच, घटोत्कच है हिडिंबा का बेटा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे पेड़ में बहुत सारे सींग लगाए हुए हैं, यहाँ पे पता नहीं कुछ मान्यता होगी जरूर। और मैं दिखा दूँ आपको, एक्सक्यूज मी, ये है टेम्पल एक्चुअली, यही है मंदिर। हम एडवेंचरस डिपार्टमेंट के सामने आ चुके हैं हिडिंबा टेम्पल के सामने। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे देखे जिपलाइन, मैंने सोचा जिपलाइन कर लेती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो बहुत हाई था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया हाई रोप कोर्स एक करती हूँ और उसके बाद अगर थोड़ा हिम्मत आ जाएगा तो जिपलाइन कोर्स मैं कम्प्लीट कर लूँगी। तो गाइज मेरे साथ बने रहे, हाई रोप कोर्स पहले मैं करती हूँ उसके बाद जिपलाइन में चलती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत रमलो लगा, डर के आगे जीता, जीत गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, जरूर जरूर माउंटेन ड्यू मिलेगा हम लोग को जीत के आगे। अब हम लोग चल रहे आगे की तरफ। धन्यवाद मायोनी भूतुक के मायोनी लूटुक माया कायोनी भूतुक के मायोनी सुटु सुटु अवनी कंचा लूटुक पुटुक पानी सुटु सुटु अवनी कंचा लूटुक। मंदिर से बाहर निकल गए हैं एडवेंचर करने के बाद, थैंक्स टू अंकल, अंकल ने मुझे स्पॉन्सर किया ये जो एडवेंचर था, बहुत डर लगा, लेकिन थैंक यू सो मच अंकल,
आप ही के वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ऑल क्रेडिट गोज टू अंकल, एकदम एकदम ऑल क्रेडिट गोज टू अंकल। पहुंच चुके हैं क्लब हाउस में, तो उसके बाद रिवर क्रॉसिंग अगर पॉसिबल हुआ तो करवाएंगे। और क्लब हाउस आप देख लीजिए, लेट्स हैव अ लुक की क्लब हाउस कैसा है। क्लब हाउस में गेम वगैरह होंगे और क्या क्या होता है, लेट्स सी क्या क्या है। और भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लग तो रहा है, सबने बोला है। और ये ओल्ड मनाली है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। इसके टाइम में क्लब हुआ करता था, सो आफ्टर दैट इसे क्लब हाउस कर दिया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक कैरम बोर्ड रखा हुआ है, सांस आ रही है मेरे को भी। और वहाँ पे कुछ कपड़े की दुकान है। अभी मैं करने वाली हूँ रिवर क्रॉसिंग, आई एम सुपर एक्साइटेड। दोनों हाथ छोड़ के जाओ, सिर पीछे। ओ भाई, हवे में। ओ ओ भाई, कैरी छोटी बैठ दी। ओए हाय हाय, बड़े मजे आ रहे हैं यार। आप लोग आते कि ये एडवेंचर सब जरूर करें। अगर एडवेंचर नहीं किया तो क्या किया लाइफ में, क्या बोलती पब्लिक। तिब्बतियन मॉनेस्ट्री के बाहर खड़ी हूँ और अभी मैं एंटर करने वाली हूँ तिब्बतियन मॉनेस्ट्री में। ये रहा तिब्बतियन मॉनेस्ट्री, देख सकते हैं आप लोग, देखिए। हम लोग बुद्धिस्ट टेम्पल में है, एंटर कर चुके हैं, आप लोग को दिखाई दिए थे। अब ये रहा पीछे में ना, कोई भी अगर डेथ किसी का हो जाता है तो उसमें वो लोग पूजा का सारा चीज को, नाम वाम वगैरह उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं उसको लगा करके वो लोग वहाँ पे लगाते हैं। अब हम लोग ये रिचुअल करने वाले हैं, ये जो व्हील है, चक्रज है, इसको हम लोग घुमाने वाले हैं। और लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट। इसको ये चक्रज को अगर हम लोग स्पिन करवाते हैं, रोटेट करते हैं, तो इससे हम लोग को पुण्य मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या पुण्य होता है हमसे। अभी आप लोग देख सकते हैं एक शानदार चीज मैंने देखा है, जो राजा महाराजाओं के घर में रहा करता था, हुक्का कहते हैं इसे। और ये देसी हुक्का है, ये वो वाली नहीं, क्लब वाली हुक्का नहीं है, ये देसी हुक्का है। और ये तंबाक से बनता है, बाय द वे ये लोग नशे के लिए यूज नहीं करते, इसको हाजमा के लिए यूज करते हैं। तो बहुत ही शानदार चीज है, देख लो सारे। और ये राजा महाराजा खड़े हैं हमारे सामने। तो सब्सक्राइब कर दो, बोल दो, थैंक यू, फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और मनालिया की इनसे जरूर मिले, अपना होटल है भाई, एकदम मिले इनसे। हम लोग पहुंच चुके हैं वन विहार मनाली में। ये आप देख सकते हैं एंट्री गेट है, अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो ये रही सिक्योरिटी आंटी। यहाँ पे कुछ नहीं है, झूला है, ये झूला हम तो अपने होटल में झूल लेते, कहीं है समझ में नहीं आ रही। 50 रुपए यहाँ पे टिकट ले लिया, मतलब देखने के लिए कुछ भी नहीं है। और नीचे में बस बोटिंग पॉइंट है, देख सकते हैं, उसमें भी फिर पैसा ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ पेड़ है, इसलिए आज रही। गाइस अभी होने वाला है, हम उनका बोन फायर चालू हो चुका है और भैया ने जला दिया, भाई देख ली इधर भी, भाई ने जला दिया बोन फायर। और अभी हम उनकी बोन फायर शुरू होने वाली है, अभी तो फिलहाल तो चना खाना हो रहा है, उसके बाद चना के साथ भी कुछ खाना होगा। तो तब तक आप रुके रहे, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार, तड़कता भड़कता। ओहो डैडी जी दी कैश साडा बापू जिम्मेदार कितो लेके देवे। अंकल अपने ना छोड़। सोने लगी थे, सोने लगी थे।
तभी तो होगा मुआ छोकरा जवारे।